नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यहाँ कैसे टू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस दिया गया है, आप उस एड्रेस को अगर बदलना चाहते हैं और ऐसे में यहाँ पर आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ भी नहीं है, यानी कि आप जिस एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में और उसे अपडेट करने के लिए आपके पास कोई ऐसा एड्रेस प्रूफ नहीं है एंड यहाँ पर आपके पास एड्रेस प्रूफ है भी, तो आप उस एड्रेस प्रूफ को नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर जो आप अपडेट करना चाहते हैं वो उससे मिलता जुलता नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर बिना किसी एड्रेस प्रूफ को दिए यहाँ पर अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को इजीली अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस सारे प्रोसेस को यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन में करके दिखाने वाला हूँ। तो उससे यहाँ पर वीडियो काफ़ी मज़ेदार एंड नॉलेजफुल होने वाला है। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपकी ज़रूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन सारे प्रोसेस को यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से करने वाला हूँ। तो जिसके लिए यहाँ पर हमें अपने डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद सर्च के आइकन पर जाना है, टाइप करना है uidai.gov.in एंड उसके बाद आपको इसे यहाँ से सर्च कर लेना है, जिसके बाद आपके सामने UIDAI का गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट आधार का एंड इसी ऑप्शन में आपको यहाँ पर बहुत सारी लिंक्स दिखाई दे रहे होंगे ब्लू कलर में। तो इसी में आपको एक तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा ऑनलाइन का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। डेली गिवअवे का पहला मनी रिडीम कोड है कैपिटल में Q5X41NA7 एंड जिसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज ओपन होगा, जहां पर आपको दिखाई देगा यू कैन नाउ अपडेट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन। एंड यहां पर अगर नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहां पर देखिए हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहां पर हम अपडेट अगर करना चाहते हैं। जैसे यहां पर हम एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ देना होता है। तो अगर आपके पास इन सारे प्रूफ में से कोई भी प्रूफ होता है तो ऐसे में यहाँ पर आप दे करके डायरेक्ट एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा एड्रेस प्रूफ है ही नहीं जो कि आप दे करके चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर देखिए आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा डू नॉट हैव एड्रेस प्रूफ, रिक्वेस्ट अ वैलिडेशन लेटर। एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए दिखा रहा है चेक अपडेट स्टेटस, तो इस पर जा करके आप यहाँ पर मान लीजिए प्रोसीड टू अपडेट आधार पर जाते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट अपने किसी भी प्रूफ को दे करके किसी भी चीज़ को इसमें चेंज कर सकते हैं, चाहे वो नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, एड्रेस हो, लैंग्वेज हो। बट यहाँ पर आपके पास प्रूफ नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा तीसरा, रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर का। तो सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इस वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है, जहां पर आपको अपने आधार नंबर एंड यहां पर जो कैप्चा कोड बॉक्स में दिखाई दे रहा है इसको यहां पर टाइप करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर टैप करके यहां पर ओटीपी को फिलअप करके लॉगिन कर लेना है अपने आईडी को। एंड जैसे दोस्तों आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं, यहां पर आप लोगों के सामने एक और पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपने फ्रेंड के आधार नंबर को इंटर करना होगा। अब आपको इसी बात का ध्यान से देना है एंड यहां पर अपने फ्रेंड के आधार नंबर को आप लोगों को सिंपली इंटर कर देना है एंड जिसके बाद दोस्तों आपके फ्रेंड के यहाँ पर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज चला जाएगा, जहाँ पर उसे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर अपने दोस्तों को बोल देना या फिर जो भी चीज़ होंगी जहाँ का भी देखिए आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं उसी का आधार नंबर आपको इसमें देना है। इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान देना है। आपको उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई भी आधार नंबर नहीं देना है, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो आपको उसी का यहाँ पर देना है आधार नंबर जिसपे वो एड्रेस यहाँ पर मौजूद हो जो कि आप अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसी का आपको देना होगा आधार नंबर क्योंकि उसी का एड्रेस आपके आधार कार्ड पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उस कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसके फ़ोन में एक मैसेज जाएगा एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का लिंक दिखाई देगा, तो सिंपली आपके दोस्त को इस लिंक पर टैप करना है एंड यहाँ पर अपने आधार कार्ड को उसको वेरीफाई करना होगा एक OTP के थ्रू एंड जिसके बाद यहाँ पर उसका जो एड्रेस होगा वो आपके पे अपडेट होने के लिए ईजिली चला जाएगा एंड यहाँ पर आपको एक SRN नंबर भी जनरेट हो जाएगा। एंड दोस्तों कुछ इस तरीके से जो आपका है आधार कार्ड में अपडेट वो ईजिली हो जाएगा एंड यहाँ पर जो भी आपका फ्रेंड का एड्रेस
एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर आपके आधार कार्ड पे अपडेट हो जाएगा बिना किसी एड्रेस प्रूफ के। तो सो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड में इजीली एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।